अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इस लेक्चर में हम दरख्वास्त पे बात करेंगे। दरख्वास्त लिखते हुए हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और इनकी जगह पे सही अल्फाज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। नाजरीन, हम दरख्वास्त लिखने का आगाज़ बाख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब से करते हैं। तो नाजरीन, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, एक ही टाइम में जनाब और साहिब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनाब और साहिब इन दोनों अल्फाज का मतलब एक ही होता है। इसीलिए इसको हम दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, या ऐसे इस्तेमाल करेंगे या बख़िदमत प्रिंसिपल साहिब। इसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल के आगे ही स्कूल का नाम लिखेंगे, मसलन दारे अरकम स्कूल कसूर। नाजरीन, इसके बाद उन्वान लिखेंगे, उन्वान लिख के दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम। इसके बद जनाबे आली। नाजरीन, अक्सर लड़कियां ये गलती करती हैं कि वो जनाबे आलिया लिखती हैं, ये गलत है। हाँ, लड़की लिख रही हो दरख्वास या लड़का लिख रहा हो, लफ्ज़ जो दुरुस्त है वो जनाबे आली का ही इस्तेमाल होना है। इसके बाद जनाबे आली के बाद हम नया पैरा लिखना शुरू करते हैं। मोहतबाना गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, बराए मेहरबानी। अब अक्सर स्टूडेंट तालबे इलम बराए मेहरबानी लिखते हैं। तो नाजरीन, बराए मेहरबानी लफ्ज़ गलत है, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ है बराए मेहरबानी। ब्राहे मेहरबानी मुझे एक यौम की रुख्सत अनायत फरमाएं। उसके बाद लिखते हैं आइन नवाजिश होगी। इसके बाद अलरस। इसके बाद आपकी या का ताबिया फरमा शगिर्द। इसके बाद नाम, जमात और रोल नंबर। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।